हमारे जाने का समय हो गया है, हम अभी निकल रहे हैं ट्रेन से। रिया जी और बेचा रखने आ रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ा इडली नाश्ता करने के लिए खड़े हैं हम लोग, फिर आएंगे सूरत अगले साल। तो अभी यहाँ पे एक्चुअली जा रहे थे सीधा रेलवे स्टेशन, मेरे को पेट्रोल डलवाना था, तो रूचा बोले एक बार मैं देख के आती हूँ, अगर ये खुल गया हो तो फिर थोड़ा नाश्ता करके जाते हैं। मैं बोला ठीक है देख ले, लकीली खुल गया था, तो अभी थोड़ा नाश्ता करते हैं, उसके बाद इन लोगों को ड्रॉप करते हैं, एंड देन फिर मैं वहां से सीधा चला जाऊंगा ऑफिस और रुचा फिर से आ जाएगी घर। कैसा लगा विधान? अच्छा, अहमदाबाद जैसा है कि अहमदाबाद से अच्छा है? अहमदाबाद में मैंने मेंदू वड़ा ही नहीं खाया। ओह शिट, पापा ने नहीं खिलाया? पापा नहीं खिलाया। ओ बाप रे। और आज तो प्रेरक बैक टू वर्क, मुंह देख तरह सारी रौनक चली गई है। मम्मी और विधान को रेलवे स्टेशन ड्रॉप करके आई, 10:30 बज रहे, वो लोग बड़ौदा तो क्रॉस भी कर दिए, और मैं अभी आई हूँ ये सारा रूम साफ सूफ करने, क्योंकि हम लोग चार लोग एक ही रूम में रह रहे थे, मतलब हम दोनों, मम्मी अंदर के रूम में सो रहे थे, मैं और प्रेरक ऊपर बेड पे और विधान नीचे सो रहा था, तो सब कुछ गंदा पड़ा था। मम्मी के लिए मैंने बेड लाया हुआ था वो सब था, खाटला वाटला लाया हुआ था वो सब रख दिया, अभी साफ सूफ करती हूँ ताकि मेरे को चैन आए, और फिर दोपहर को आज तो सोना ही सोना है भाई, बहुत थक जाती हूँ मैं। बेडशीट चेंज कर दी, झाड़ू पोछा कर दिया सारा, वो जो ऊपर का मालिया था वो बिखरा बिखरा सका था वो उसको भी सही से कर दिया, और ब्लैंकेट को बाहर धूप में डाला हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा धूप में डालना अच्छा होता है, अगर आप महीने में 2 महीने में 3 महीने में एक बार अगर ब्लैंकेट अगर यूज कर रहे हो रेगुलर, तो वो ब्लैंकेट को धूप अगर वॉश ना कर सको तो उसको धूप में सेकना तो जरूरी बनता है, ताकि उसमें कुछ बैक्टीरिया हो ये हो वो सब निकल जाता है, इसीलिए मैंने उसको डाला हुआ है। मैं जब से साफ कर रही हूँ तब से डाला हुआ है, और मैं जब तड़का जब धूप चली जाएगी तब ले लूंगी उसको अंदर वापस। तो बाकी अभी तो डिनर विनर लंच वंच सब हो गया है, क्या बोल रही हूँ, आज मैं लंच वंच सब हो गया, विधान और मम्मी भी पहुंच गए अहमदाबाद घर पे पहुंच गए, तो मैं अभी ऊपर आई हूँ सोने के लिए, तो मैं अभी सो जाती हूँ, आपको मिलती हूँ शाम को। आज तो जिम भी नहीं जाना है, जिम अभी सीधा 1 December को ओपन होने वाला, तो तब तक अपनी छुट्टी है, फिंगर्स क्रॉस कि मेरा वेट ना बढ़ जाए बस। मैं सो गई थी, टाइम चेक कर लो 7:45 बज रहे हैं, और यहाँ पे पूरा हॉल इधर उधर, त्यौहार जाते हैं उसके बाद हमारे घर में तो ऐसी हो ही जाती है गंदगी गंदगी से, अभी वहाँ पे प्रोफाइल बना रहे हैं, और ये देखो पवन तो गुंडा जैसा लग रहा है। पवन भाई के सामने को हो सकता है क्या? नहीं नहीं पवन भाई, पवन भाई। माले जितनी लंबी ये वाली पट्टी है ये, और इसमें थोड़े बहुत हैंडल है, वो सब रिटर्न करने के लिए गए थे लेकिन शॉप बंद हो गई है, तो मम्मी अभी अमूल में चले गए हैं दूध लेने के लिए। बाकी आज ज़्यादातर व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आज तो मैंने टोटली फोकस टोटली रेस्ट ही किया है और कुछ किया है नहीं। बाकी आपको मैं मिलती हूँ, अभी प्रेरक सर आते हैं तब सीधा। ओके सो हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। भाई आप लोगों ने आगे क्लिप देखी होगी, तो मैं कल पूरा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, इसीलिए आज ही कंटिन्यू कर रही हूँ ये वाला व्लॉग, क्योंकि कल है ना मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मैं सो गई थी, और मैंने बोला था आपको प्रेरक सर आते हैं उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ, लेकिन फिर हम लोग है ना प्रेरक भी इतने दिनों की रेस्ट के बाद ऑफिस गया था, तो वो भी थक गया था, तो हम लोग फिर सीधा बिग बॉस देखे सो ही गए थे। तो अभी तो बज रहे हैं 9:15, मैं सारा काम वाम खत्म करके ऊपर आ गई हूँ, प्रेरक सर फ्रेशन अप होने गए हैं आज पहली बार बहुत टाइम के बाद, मैं सारा काम खत्म करके प्रेरक को उठाने आई थी लेकिन वो ऑलरेडी पहले से जग गया था और फ्रेशन अप होने चला गया था, तो मैंने उसके लिए बना दी है क्रिस्पी क्रिस्पी सी भिंडी, हमारे लिए भी नॉर्मल भिंडी बनाई थी मैंने सुबह सुबह, आटा भी गून दिया, प्रेरक की रोटी भी बना दी, अभी नीचे जाऊंगी, प्रेरक सर जब बाहर निकलेंगे तब वो रेडी होने में 5-10 मिनट करते हैं, बाहर निकलने के बाद हेयर सेट करते हैं मूछ सेट करते हैं वो सब, तो तब तक मैं नीचे चले जाऊंगी, मेरी फटाक से फूर करके चाय बना दूंगी, और अभी तो मैं बैठी हूँ बस ऐसे ही, क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया है और मेरे को बहुत ही भूख लगी है, प्रेरक सर बाहर आए और मैं खाऊ तब जाके मुझे चैन आएगा। हाँ भाई जीतोस, कैसे हो भाई? टाइम हो रहा है अभी सुबह का 9:10, और आपका भाई एज यूजुअल दिवाली वैकेशन के पहले जैसे नहा धो के रेडी होकर होता था वैसे नहा धो के रेडी हो गया है, कल ऑफिस गया था भाई, लिटरली पहले तो जो स्टार्टिंग के आवर्स थे शुरुआती घंटे थे उसमें तो ऑफिस जाके इतना अच्छा लगा ना, ऐसा लगा कि यार खामखा ही घर बैठ के बोर हो रहे थे, अच्छा हुआ ऑफिस आ गए, अच्छा हुआ ऑफिस आ गए, आज फिर से काम स्टार्ट होगा, अर्निंग स्टार्ट होगी, बहुत कुछ मतलब बहुत सारे जो व्यापारी लोग थे उन लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक, हैप्पी दिवाली, जो भी बोलना था वो सब बोला,
बट भाई बट सुनो ये बट, लंच के बाद जो कंटाला आना स्टार्ट हुआ है ना बॉस, गजब कंटाला। ऐसा हो रहा था कि हटाओ ये सब, चलो फिर से घर निकलते हैं और घर जाके आराम करते हैं। भाई ऐसा बहुत होता रहता है, ऐसा मेरे मेरे साथ हर साल होता है। पहले कैसा होता था कि कॉलेज वॉलेज जाते थे तो छुट्टी होती थी तो भले कुछ करे ना करे लेकिन पूरे दिन पड़े रहते थे, पूरे दिन ऐसे घूमते रहते थे या सोते रहते थे। अब ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा नहीं होता है भाई। ऑफिस रेगुलर होती है तब ऐसा लगता है कि यार छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती है। और जब छुट्टी आती है तो ऐसा लगता है कि यार क्या करे, घर बैठ के बोर हो रहे हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट करो क्या क्या होता है, आपका ऑफिस का फर्स्ट डे कैसा रहा वो भी कमेंट करके बताओ। बराबर, मैं तो गया, देखो अभी मेरे तो गोडाउन में भी पूरा का पूरा स्टाफ आया हुआ नहीं है, 3-4 लोग ही आए हुए हैं। ऑफिस स्टाफ में सिर्फ अकाउंटेंट ही आया हुआ है, कोई और आया हुआ नहीं है। तो धीरे 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 करके होगा। और देखो भाई टेक्सटाइल की लाइन ही ऐसी है कि अभी ये 20 तारीख मतलब लाभ पांचम 20 तारीख को थी तो तब से मार्केट रनिंग हुआ है। कल मैं मार्केट में गया, मेरे को मार्केट की पोजीशन पता चल गई, अभी तक 80% शॉप्स ओपन ही नहीं हुई है। तो समझ लो कि ये महीना तो पूरा ऐसे धक्का गाड़ी में ही निकल जाएगा। जो भी पिकअप आएगा वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ के हाफ क्वार्टर के बाद आएगा या ऐसा कुछ स्टार्ट रहेगा, देखते हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि भाई दिवाली के बाद का ये वाला साल भी बहुत अच्छा जाए सब लोगों के लिए। मेरी तरफ से भी आप सभी को शुभकामना। बाकी अभी फटाफट से मैं भागता हूँ नीचे, अगर रुचा फिर से ऊपर आ गई तो मेरे को बहुत डांट खानी पड़ेगी। है भाई, अभी फिर से अपना रूटीन भी स्टार्ट होगा लंच ब्रंच वाला। चलो चलते। और नीचे आया तो ये क्या रुचा, किसके लिए ब्रेड कर रही है, खुद के लिए? चलो भाई चलो, फटाफट ये भी आप कर लो, फिर खाना खाने बैठते हैं। ये हमारा यहाँ था। अरे ये किसकी कंकोत्री आई है? श्वेता और मितेश, रुक पढ़ने दे। हाँ पहचानता हूँ भाई, अगर ये गांव किसी को पता है ना तो कमेंट करके बताओ। प्रेरक सर तो चले गए हैं ऑफिस, उनका लंच ब्रंच ब्रेकफास्ट सब कुछ करके। मैंने मेरे लिए ब्रेड सेक दी थी क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी थी, मैंने आपको बताया। तो अभी मैंने नहा धो के फ्रेश हो लिया, अभी नीचे चलते हैं क्योंकि घर में काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी का प्रोफाइल बन रहा है, स्टोर रूम का दरवाजा बन रहा है और हमारे ये मालिए में भी दरवाजे आएंगे। ये प्रेचा वाला सब कुछ हट जाएगा और पूरे डोर आ जाएंगे, वो सब करवाना है। तो अभी नीचे झाड़ू पोछा कुछ करना है नहीं, काम भाई दीदी भी आ गए हैं, दूसरे करवा दिए तो झाड़ू पोछा कुछ करना नहीं है। लंच भी बन गया तो अभी मेरा बिग बॉस का 2 एपिसोड बाकी है, लास्ट 2 दिन का, तो वो मैं देखूंगी शांति से आराम से बैठ के। अभी चलते फट से फटाक करके नीचे। और छोटे बच्चों की तरह कार से खेल रहा था ये, अभी दिखा ना उसमें क्या है, अभी लैम्बोर्गिनी बेंटली क्या बेंटली क्या है ये, किसी कंपनी का नाम है? हाँ मुझे नहीं पता एक्चुअली, मुझे कार की इतनी नॉलेज नहीं है। और देखो किसी के तो दरवाजे भी नहीं है ना, दोनों के कौन है ठामिन लाया बोन मारी से अच्छा। और देखो हॉल का भाई अपडेट दे दे, तो यहाँ पे प्रोफाइल रेडी हो गया, बस सनमाई का लगानी बाकी है। स्टोर रूम का भी दरवाजा बन रहा है अभी, और बिखरे दिल का मैं हाल हूँ ऐसा, अभी हॉल हो गया अपना। टाइम हो रहा है 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, और इतना लेट ऑफिस से नहीं आया हूँ, ऑफिस से तो आ गया था 8:15 बजे का। उसके बाद डिनर विनर किया, बाहर चक्कर वक्कर लगाने गए, देन बिग बॉस देखा, और उसके बाद अभी रुचा का ये देखो विंटर्स आ गई है तो भाई उसका मॉइस्चराइजर और ये सब उसका जो डेली रूटीन होता है वो चल रहा है। देखो भाई ये रुचा का इम्पोर्टेड लिप बाम भी है, जिसके साथ हम कैसे है भाई, मैं देसी आदमी हूँ, लिप बाम अगर आता है तो वो स्टिक वाला आता है या तो ऐसे उंगली से लेके घिसते है। इसको लगाने के लिए स्पेशल स्टिक आती है, हनी स्टिक, हनी स्टिक बोलते है उसको। है भाई चोचले भाई, ये अमीर लोगों के।
सॉरी इन्फ्लुएंसर्स लोगों के। देखो अपन देसी आदमी है, अपने को ना कुछ चाहिए कुछ नहीं, मुंह पे सर्फ एक्सल वाला जो कौन सा साबु होता है, रिन साबु जो आता है कपड़े धोने का, उससे भी घिस दोगे तो अपनी चामड़ी निखर जाएगी, फटेगी वटेगी कुछ नहीं है, क्यों क्या बड़े ही ऐसे हुए भाई। और ये क्या ऐसे थोड़े होता है, फिर ये लगाएगी, उसके बाद उसके लिए इम्पोर्टेड ये देखो एम्ब्रॉयडरी वाले मोजे लाई, वो पहनेगी, उसके बाद सोएगी ना रुचा, बराबर। तो चलो ऐसे हमने नो था रेखा देख रहे हो, बाकी चलो कोई नहीं गाइस, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, मिलता है आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।